बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वाला अलैका व असाबिका या हबीबल्लाह। आप सब लोग जानते हैं कि 2016 के बाद न मेरे घर पे किसी सियासी पार्टी का झंडा लगा और ना ही मैं किसी सियासी पार्टी का रुकन आज तक हूँ और ना ही बनने का इरादा है। ना मैंने किसी से टिकट लेनी है, ना मैंने इलेक्शन लड़ना है और ना ही मैंने अमली सियासत में आइंदा हिस्सा लेना है। लेकिन कल के वाकयात ऐसे हैं जिसने मेरे जिस्म को नहीं, मेरे दिल को नहीं, मेरी रूह को भी तड़पा दिया, क्योंकि हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। यकीन जाने मैं तो उन लोगों में हूं जिसके कई यूरोपीय ममालिक के वीजे लगे रह गए पासपोर्ट पे, मैं गया नहीं। लोगों ने मुझे कहा हो तो आए, चक्कर तो लगाए, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे दिलचस्पी, मुझे घूमने की हद तक भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे इस मिट्टी से प्यार है, हमने इसी पाकिस्तान में रहना, इसी पाकिस्तान में मरना है और इसी पाकिस्तान में जो है हमारी जिंदगी गुजर रही, इसी से हमें प्यार है। कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो बहुत तकलीफ दे होते हैं। देखें, सियासत जाने, सियासतदान जाने, जो जिसकी जिसको लोग पाकिस्तान के बेहतर समझेंगे उसका साथ देंगे। ये सियासी अमल, ये इलेक्शन, कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं, ये जजेस का काम है, ये कोर्टों का काम है, सियासी अमल सियासतदानों का काम है, इलेक्शन सियासतदानों का काम है। लेकिन एक बात जो कल हुई उसने मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया। यकीन जाने मुझे कल से एक अजीब सा एहसास है कि जो एक रियासत का तसव्वुर होता है मां का, वो बहुत बहुत मेरी जो कल के वाकयात की वजह से वो जो मां का तसव्वुर है वो बहुत डैमेज हुआ है। और जो एक घर का एहसास होता है, एक तहफ्फुज का, एक घर का, चार दीवारी का, वो भी बहुत मुतासर हुआ है। लेकिन जो कल जिसने भी ये प्लान किया, जिसकी भी ये ख्वाहिश थी, जिसने भी ये करवाया, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब के घर पे उनकी जो बेगम है, एक निहत्ती खातून घर में बैठी हुई है, मजहबी खातून है, पर्देदार खातून है, वो घर में बैठी हुई है और वहां पे हजारों पुलिस वाले अंदर घुस जाते हैं और करेने चढ़ा देते हैं उनके घर पे और उनके कमरों की छानबीन, उनके बच्चों की उनकी चीजें तोड़ देते हैं और जाके उस निहत्ती अकेली बैठी खातून को, एक पर्देदार खातून को जाके हरासमेंट फैलाते हैं। ये ऐसी बात है जो जिसने मेरी रूह को कंपवा दिया, मेरी रूह कांप गई ऐसे। तो मैं सदा करता हूं पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से, साहिब इख्तियार से, साहिब इख्तियार से, कि खुदारा सियासत को इस हद तक ना लेके जाएं कि हमारे घर, यकीन जाने मैं आपको अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे अपना घर भी अब महफूज नहीं लगने लगा, अपना घर में भी मुझे तहफ्फुज़ का एहसास है वो नहीं रहा। आप एक पर्देदार खातून को, अगर आपकी सियासी मुखालफत है इमरान खान साहब के साथ है, वो जंग लड़ी जा रही है, हम भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, कौम भी देख रही है, रोडों पे भी है, कोर्टों पे भी है, इलेक्शनों में भी है, वो एक अलग जंग है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, आप ध्यान में रख लें। लेकिन घर पे यूं हमलावर हो जाना, एक पर्देदार खातून के इस तरह उसके घर में घुस जाना और वहां जाके चीजों को तोड़ना और घर का वो जो एक तसव्वुर होता है चादर और चार दीवारी का, वो पामाल करना, ये हर हाल में काबिल मुज़म्मत है। खुदारा खुदारा इस ऐसे वाकयात से कभी मुल्क जो है वो ना तरक्की कर सकता है, ऐसे वाकयात से ना मुल्क मजबूत रह सकता है। हम पाकिस्तान को मजबूत दिखना चाहते हैं। मैं दुआ करता हूं कि मौला इस मुल्क को कायम दायम रख कयामत तक, हमारी जिंदगियों में हमारी आंखें ना देखें इस मुल्क को नुकसान होता हुआ। मैं तो वो पाकिस्तानी हूं जो हर जुमा हर नमाज के बाद इस मुल्क के लिए दुआ करता हूं। कल के वाकयात ने मुझे ऐसे लगाया जैसे हम किसी ने हमारे वतन अजीज की जड़ पे वार किया हो। इसका जो भी जिसने भी प्लान किया है बहुत तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ दे है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और खुदारा मैं अपील करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, पाकिस्तान की तमाम सियासी क्यादत से, पाकिस्तान फौज की क्यादत से, अदलिया के मुअज्जज जजों से और हर साहिब इख्तियार से, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है जिस तरह हमारे बलोच ट्राइब में रिवायत है कि अगर कहीं आग लगती है तो वहां के जो आग बुझाने वाले लोग आगे आ जाते हैं और वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे मुतालबा करता हूं, जजेस से भी, मैं पाकिस्तान फौज के भी
जो अरबाब इख्तियार है उनसे भी, मैं सियासतदानों से भी, मैं उन सुलह जो लोगों से अपील करता हूँ कि खुदारा आगे आए और इस आग को, इस मुल्क को जलने से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ममा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।